हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गुड फूड चैनल। आज हम बिहार और झारखंड की पचड़ी मकुनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप सत्तू का पराठा भी कर सकते हैं। यह झटपट तैयार हो जाता है और यह आसान सी रेसिपी है। इसे आप किसी भी मौसम में बना कर खा सकते हैं, पर रेनी सीजन में और ठंड के मौसम में यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या सामग्री लिए हैं। इसके लिए हम 2 कप गेहूं का आटा का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इसमें हमने 2 छोटे चम्मच से ऑयल और आधा छोटी चम्मच नमक मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इसे हम ढक के रख देंगे। सत्तू पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप सत्तू लिया है। 2 मीडियम साइज का प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 2-3 टेबल स्पून हमने बारीक कटा हरा धनिया पत्ता लिया है। 1 टेबल स्पून हमने अचार का मसाला लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 2 छोटे चम्मच हमने लेमन जूस लिया है। 1 बड़ा टेबल स्पून हमने सरसों तेल लिया है। स्वादानुसार नमक लेंगे और कुछ मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। इसमें हमने 1/2 इंच अदरक और 5-6 लहसुन को हमने इस तरह से क्रश करके लिया है। 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। 1/2 छोटी चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1/2 छोटी चम्मच थोड़ा कम हमने गोलकी पाउडर लिया है। आप इसे क्रश करके भी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच अजवाइन और कलौंजी लिया है। पराठा सेकने के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है। आप इसके जगह पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या सरसों तेल भी बना सकते हैं, उससे भी पराठा बहुत टेस्टी बनता है। यह आपके चॉइस पर निर्भर है। पराठा के स्टफिंग तैयार करने से पहले हम इसका एक चटनी तैयार कर लेंगे जो कि मूली से बनाएंगे। इसके लिए हमने 1/2 बंच धनिया पत्ता को इस तरह से धोकर और इसे रफली काट के रख लिया है और 1 बड़े साइज का मूली को हमने इस तरह से पीस में काट लिया है। 3 हरी मिर्च लिया है, 8-10 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1/4 चम्मच हमने जीरा लिया है, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच हमें यहाँ पर नींबू का रस यूज करेंगे। बनाने के लिए हम एक चटनी वाला छोटा वाला जार लिया है। इसमें हम सारे सामग्री को डाल देंगे, धनिया पत्ता, नमक, मूली, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्चा। इस तरह से हमने सारे सामग्री को जार में ले लिया है। अब इसमें हम 2 छोटा चम्मच से नींबू का रस मिला देंगे। साथ ही इसमें हम 2-3 छोटा चम्मच हम यहाँ पर चलने लायक पानी मिला देंगे और इसे जार का ढक्कन लगा के इसे पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना लिया है। गाढ़ा पतला अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें 1/2 छोटी चम्मच है सरसों तेल मिला देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और 1 बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने चटनी को 1 बाउल में निकाल लिया, इसे साइड में कर देंगे। अब हम पराठा का स्टफिंग तैयार करेंगे। छत्तू में हम धनिया पत्ता मिला देंगे, साथ ही हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज को मिला देंगे। प्याज को चॉप न करके आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी मिला सकते हैं। और इसमें हम कलौंजी और अजवाइन मिला देंगे, साथ ही हम हरा मिर्च मिला देंगे, गोलकी पाउडर मिला देंगे, ऑप्शनल है, और सारे सामग्री को इस तरह से मिला देंगे। और अब इसमें तेल मिला देंगे, अचार का मसाला मिला देंगे, नींबू का रस मिला देंगे, साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, इसे गीला नहीं करना है। और इसे हम हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इसका स्टफिंग तैयार कर लिया है। इसे मुट्ठी बांध कर देख लेंगे, ये अच्छे से बन रहा है तो इसी तरह का स्टफिंग तैयार होना चाहिए। तो इसे हम साइड में कर लेते हैं। पराठा तैयार करने के लिए हम एक चकला लेंगे, साथ ही हम एक बेलन भी लेंगे और हम थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे पराठा को बेलने के लिए। पहले से हमने इसका डो को तैयार कर लिया है तो हम इसे एक बार मसल लेंगे। यह न ज्यादा सॉफ्ट है और न ज्यादा हार्ड, इस जिस तरह से चपाती के बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा आटा में हाथ को डिप करके इसका लोई तैयार कर लेंगे। इसका लोई आप अपने अनुसार थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा बना सकते हैं। तो हम इस तरह से पहले लोई तैयार कर लेंगे। हम 3-4 लोई अभी काट लेते हैं, उसके बाद हम पराठा बनाएंगे। इस तरह से हमने कुछ लोई तैयार करके रख लिया है। अब हम एक लोई उठाएंगे और आटे में डिप करेंगे और उसे हम इस तरह से अंगूठे को अंदर करके इस तरह से कटोरी के आकार में इसे हम शेप दे देंगे
और उसमें हम 2-3 छोटा चम्मच हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, जितना स्टफिंग आता है उसके अनुसार इस तरह से हम दबाते हुए इसे भर लेंगे। इस तरह से हम इसे दबा देंगे और इसका मुंह को बंद कर देंगे, और बचे हुए आटा को इस तरह से उसी में हम दबा देंगे और इसे इस साइड में रख देंगे। इसी तरह से एक और हम बना लेते हैं, एक कटोरी नुमा इसका शेप देंगे और 2-3 छोटा चम्मच हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। साथ ही इसे हम इस तरह से प्रेस करके इसे दबा देंगे और इसका मुंह इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से हमने दो तैयार कर लिया है। अब आटे में डिप करेंगे और इसे हम पहले चकले पर इस तरह से उंगली से इसे फैला लेंगे, फिर हम हल्के हाथ से इसे गोल आकार में इसे हम बेलन से पराठा बेल लेंगे। इसे डायरेक्ट हम बेलन से नहीं बेलेंगे, नहीं तो इससे स्टफिंग बाहर आ सकता है। पराठा सेकने के लिए हमने तवा गर्म होने के लिए गैस पर बैठा दिया है। तवा गर्म हो चुका है, तब हम बेला हुआ पराठा को इस पर डाल देंगे और एक तरफ सिक जाने के बाद हम इसे पलट देंगे। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। दूसरी तरफ भी सिक गया है तो अब हम इस पर घी लगाएंगे। घी अपने अनुसार कम ज्यादा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा फूलकर तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ पे घी लगा दिया है और स्पिचुला की सहायता से इसे हल्का हल्का चारों तरफ प्रेस करते हुए इसे उलट पलट के इसे हम सेक लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, खासकर बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में। इसे एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से पराठा तैयार हो गया है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ ये सिक गया है पराठा, तो हम इस पर घी लगा देंगे। इस तरह से सारे पराठे फूले फूले और सॉफ्ट बनकर तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। इस तरह से हमने सारे मखनी यानी कि सत्तू पराठा हमने तैयार कर लिए हैं। इसे हमने मूली की चटनी के साथ सर्व किया है। बहुत ही अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं, तो इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट कर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।